हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहते हो आप सभी, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमने बोटिंग की थी केरला में, तो उसके बाद सॉरी बहुत लेट हो गया वीडियो। तो फिर बस हम लोग बोटिंग करने के बाद हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा घूमते रहे। उसके बाद मेहर ने और मेहर के पापा ने घोड़े पर राइड ली थी, हॉर्स पे। तो बस इनका था कि इनको हॉर्स पे एक राइड लेनी है। मेहर भी फर्स्ट टाइम हॉर्स पे बैठी थी, तो मेहर को बहुत ही मज़ा आया। लेकिन वो अकेले बैठने में थोड़ा सा झिझक रही थी, इसको डर लग रहा था। उसने बोला कि पापा आप साथ में बैठो। तो बस ये एक राइड लेने के लिए गए थे। तो उसके बाद जो यहाँ की सबसे फेमस है टी फैक्ट्री, जहाँ पर चाय पत्ती बनती है, जहाँ के लिए केरला बहुत ज़्यादा फेमस है, इलायची, खड़े मसाले और ये चाय पत्ती, तो जहाँ के लिए ये फेमस है। तो बस ये चाय पत्ती की फैक्ट्री में हम लोग गए थे। उसके बाद तो यहाँ पे केरला में एक बात बहुत मज़ा आता है देखने में, और पता क्या होता है जब हम घूमते हैं ना, तो एक अरोमा खुशबू आती रहती है, जैसे आयुर्वेदिक खड़े मसाले, कहीं भी जाओ ना वो खुशबू आती ही रहेगी। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है वहाँ पे। तो उसके बाद हम लोग टी फैक्ट्री में गए। टी फैक्ट्री में हमें पता चला टी कैसे बनती है, मतलब कितनी मेहनत लगती है इन चीज़ों में। पहले तो उसकी पत्तियाँ इकट्ठी करो, उसके बाद उसको धो, उसके बाद उसको सुखाओ, उसके बाद उसको पीसो, पीसने के बाद उसको वापस से सुखाना पड़ता है, फिर उसको मतलब कितना, बापरे मेरे देख के पता चला मुझे। तो बस हम लोग टी फैक्ट्री में आ चुके हैं। बस मैं यहाँ पे एक ऐसा ही म्यूज़ियम सा था, तो मैंने ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह की फ़ोटो मतलब वीडियो ली थी। इसमें बताया है कि चाय पत्ती कैसे बनती है, सारी चीज़ें, चाय पत्ती की सारी इन्फॉर्मेशन और खड़े मसाले जो भी है सारी इन्फॉर्मेशन थी उसकी। तो मैंने ये थोड़ा सा वीडियो लिया था वहाँ पर जाके, तो बहुत अच्छा लगा और बहुत ही सच में इंजॉय किया। और एक नई चीज़ पता लगी भी कैसे बनती है, ये सब चीज़ें पता लगी। और चलो आप लोग देखिए और इंजॉय कीजिए। ये यहाँ पे बता रहे थे ऐसे अंकल की चाय पत्ती कैसे बनती है, कैसे इसको इकट्ठा करते हैं, तो ये सब उसका बेनिफिट बता रहे थे, अलग अलग क्वालिटी हर चीज़ की मतलब बता रहे थे। वैसे कि भी मैंने एक्चुअली आवाज़ पीछे से बंद कर दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था, तो इसीलिए मैंने पीछे से आवाज़ बहुत बंद कर दी थी। तो ये ऐसे ही बता रहे थे कि ऐसे चाय पत्ती ऐसे बनती है, और अभी पहले तो बता रहे थे, उसके बाद फिर इन्होंने मशीन भी दिखाई थी जिसमें बनती है, तो वो भी इसी वीडियो में है। तो ये इतनी सारी चाय पत्ती थी, इतनी सारी, और इनको सूंघने में भी इतना अच्छा लग रहा था, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो ये मशीन में चाय पत्ती बन रही थी, तो अलग अलग मशीन थी इसकी। तो बस ऐसे चाय पत्ती बन रही है, आप लोग देखिए और इंजॉय कीजिए।
उसके बाद हम लोग ये चाय पत्ती की शॉप थी, यहाँ पे खड़े मसाले भी थे, तो जो चाय पत्ती बनती है उसकी शॉप भी वहाँ पे ही थी। तो जो भी टूरिस्ट आए हुए थे तो यहाँ से वो चाय पत्ती लेके जाते हैं, तो बस हम लोग भी वही ख़रीद रहे थे। तो ये इतने सारे पैकेट पड़े हुए थे, इतने सारे चाय पत्ती थी। तो ये जो ग्रीन वाला पैकेट है ना चाय पत्ती का, ये ज़्यादातर मोस्टली लोग ये रिपल की चाय पत्ती ख़रीद रहे थे। तो हम लोगों ने भी ये ऐसे ही सबके लिए चाय पत्ती के पैकेट लिए, इलायची ली वहाँ से, खड़े मसाले जो भी रहते हैं बिरयानी वाले मसाले, और सबसे ज़्यादा वहाँ पे सांभर पाउडर बहुत फेमस है, सांभर पाउडर वहाँ का केरला का बहुत फेमस है। तो वो चीज़ें हम लोगों ने बाय करी वहाँ से, तो अच्छा लगा शॉपिंग करके, मज़ा आया। ये भी हमारा एक पहला एक्सपीरियंस है थे, हमने चाय पत्ती की फैक्ट्री में जाके चाय पत्ती ली। तो वाकई वो चाय पत्ती हम लोगों ने जब चाय बनाई तो वो बहुत ही मस्त बनी थी। मैं एक्चुअली पीछे चल रही हूँ, तो ये वीडियोस बहुत पहले की हैं तो मैं अपलोड नहीं कर पाई, तो बस ये वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ। मैंने कहा आप लोगों को भी पता चले वहाँ पे, जो लोग नहीं गए हैं तो उनका मन कर रहा होगा देखने का, मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। तो बस देखिए और इन्जॉय कीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गए प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।